मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आप जब भवन में आते हैं नवरात्रों में तो देखते हैं कि फूलों से जो पावन दरबार माता का सजाया जाता है वो कोई और नहीं, हमारे साथ मौजूद के शर्मा जी हैं। हर साल माँ के नवरात्रे में ये पूरा दरबार सजाते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका, जय माता दी। और हर साल नवरात्रे पे, चैत्र नवरात्रे पे हर माँ का दरबार सजाते हैं तो क्या कहेंगे भक्तों को? ये माता रानी का आशीर्वाद है और माता रानी ने सेवा दी है अपना, उसने दरबार सजवाना है सुंदर स्वरूप में कि लोग आके यहाँ महसूस कर सकें। ये एक अपनी तरफ से अलग ही नज़ारा नजर आता है। जिन लोगों ने नवरात्रों में आके इस नज़ारे को देखा है तो देखते हैं कि ये बिल्कुल एक स्वर्ग का नज़ारा है। दरबार ऐसे सजा होता है जैसे पता नहीं एक स्वर्ग का नहीं किसी ने देखा, तो यहाँ आके माता रानी के दरबार में नवरात्रों में वो चीज़ को फील कर सकता है कि एक नज़ारा ही अलग है। और जो नवरात्रों में एक बार आएगा वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके वो रुक पाए कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा या आशीर्वाद लेना नहीं चाहेगा। कितनी मेहनत लगती है माता के दरबार को सजाने के लिए? इस टाइम 450-500 आदमी वर्कर लगे हुए हैं, डे एंड नाइट 15 दिन डे एंड नाइट अपने दिहाड़ियां लगाए रखते हैं वो। और फ्लावर जितने भी हैं सारे कोई बाहर से इम्पोर्ट हो रहे हैं, कोई कलकत्ता से आ रहे हैं, कोई इधर से बंगलौर से आ रहे हैं, कुछ बाहर की कंट्री से, अलग अलग कंट्री से अलग अलग क्वालिटी के फ्लावर्स हैं, कुछ दिल्ली से भी आते हैं। और सारा जोड़ तोड़ करके फिर तीसरे चौथे दिन फिर नवरात्रों में ही दोबारा फूल चेंज किए जाते हैं और पूरा नवरात्र पीरियड ही। और इसके साथ साथ हमें सेवा बाकी मंदिरों में भी मिली हुई है और अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भी सेवा मिली है और विंध्यवासिनी देवी, कामाख्या देवी, कांगड़ा देवी, इन बाकी मंदिरों में भी माता रानी नवरात्रों में सेवा लेती है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले श्रद्धालुओं में, जो नवरात्र में श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएंगे, उनके लिए क्या आपके लिए संदेश रहेगा उनके लिए? वो एकदम आके नज़ारा जरूर फील करें, एक अलग ही नज़ारा, स्वर्ग का नज़ारा यदि किसी ने फील करना माता रानी के दरबार में तो वो आके यहाँ जरूर आए नवरात्रों में और माता रानी के आशीर्वाद में। नवरात्रों में जरूर माँ के पावन दरबार में आइए। जो सजावट आप देसी विदेशी फूलों से देखते हैं वो और कोई नहीं, वो के शर्मा जी करवाते हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। हर पिछले कई सालों से ये माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और पिछले कई सालों में अपनी सेवाएं माँ के दरबार में दे रहे हैं। आप भी नवरात्रों में आए, माँ के दर्शन पाए और माँ कभी भी खाली हाथ अपने भक्तों को नहीं भेजती। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आशीष शर्मा, JK मीडिया भवन से।